खबर यूपी के बलरामपुर जिले से है, जहां उतरोला में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान गोंडा लोकसभा सीट से सपा बसपा प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह आपा खो बैठे। और साथ ही आपको बता दें, सिंह ने भाजपा सांसदों विधायकों को उल्टा सीधा बोल दिया। सपा में पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह ने मंच से भाजपा के एमपी और एमएलए को कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर देख लेने की धमकी तक दे डाली। और साथ ही उन्होंने वर्तमान भाजपा के सांसद को स्विच ऑफ सांसद करार दे दिया। इस दौरान पंडित सिंह से पुलिस प्रशासन को भी नहीं बख्शा और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होने पर पुलिस प्रशासन को भी देख लेने की धमकी सबके सामने दे डाली। देखिए, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। थानेदार वोट मांग रहे हैं, एसडीएम वोट मांग रहे हैं, सीओ वोट मांग रहे हैं, सेक्रेटरी से वोट मंगवा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को, प्रधानों को धमकी दे रहे हैं। और जो है, अगर हम आयोग में शिकायत करेंगे, डीएम से करेंगे, एसपी से करेंगे, लखनऊ निर्वाचन आयोग में करेंगे, दिल्ली निर्वाचन आयोग में करेंगे, और इसके बाद भी नहीं सुधरेंगे तो जो जनता करती है वही हम करेंगे, के साथ वही व्यवहार करेंगे। भाषा शैली, जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा, तो भाषा शैली नहीं है, ये लड़ाई की शैली है। अगर किसी ने हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया, कर्मचारी अधिकारी, और तो जो है हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 5 लाख वोटों से हारेगी, जमानत जब्त हो जाएगी और स्विच ऑफ सांसद 5 साल थे और स्विच ऑफ उनको जनता परमानेंट कर देगी, फिर दोबारा ऑन नहीं होने वाला।